एंड इस पे आप लोगों देख सकते हैं वॉल्वो जैसा बनाया इन्होंने कॉपी किया है। इतना बड़ा ऑपरेटर, इनके पास 1000 बसें हैं बांग्लादेश में। तो आज की बस जर्नी में हम हवा से बातें करेंगे, अगर बस को बस स्टैंड के बाहर से निकलना है तो बस स्टैंड बनाए ही क्यों। मतलब हनीफ का ये सिस्टम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। देवी और सज्जनों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस वाले व्लॉग में मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैं पिछली बार मिस कर गया था। अब की बार आपको देखने को मिलने वाली है हिनो बस में जर्नी, वो भी किसकी, हनीफ की। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश में एक टाइप की नॉन एसी बसेस का बहुत ज़्यादा डिमांड है, दैट इज़ हिनो 1J। एंड हिनो कंपनी है जापान की। लास्ट टाइम मैं बस में बैठा था बट वीडियो नहीं बनाया था। हिनो इज़ एन अमेजिंग बस, मतलब क्या पिकअप है, क्या भागती है, एंड द कम्फर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। वो तो चलो आपको आज वाले जर्नी में पता लग ही जाएगा। एंड ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर है हनीफ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑपरेटर इन बांग्लादेश। तो आज की बस जर्नी में हम हवा से बातें करेंगे। एंड एनीवेज फिलहाल मैं हूँ सिलेट में। सिलेट पड़ जाता है आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न बांग्लादेश में, एंड सिलेट फेमस है टी गार्डन्स के लिए। वैसे सिलेट जो है मेघालय, आसाम और त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड इनफैक्ट यहाँ से एक नज़दीकी जगह है जाफलोंग, जहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल रिवर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ के दौरान इंडिया साइड से देख रहा था, इंडिया के डॉकी से। तो सिलेट जो है बेसिकली समझ जाइए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ ही है। एंड फिलहाल मैं हूँ सिलेट के कौदमतली बस टर्मिनस में। लास्ट टाइम जब मैं आया था सिलेट, तब जो ये बस स्टैंड बन रहा था, अभी मैं आके देख रहा हूँ कि बस स्टैंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बना है। बस स्टैंड आपको दिखाता हूँ, जस्ट आप बस स्टैंड देखिए कितना ज़्यादा सही बना है। पूरा जो है प्रॉपर वाला टर्मिनस है, मतलब आपको जो है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे सिटिंग मिल जाएगा। डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, हर जगह जो है प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, अंदर जो है सीटिंग एरिया है, सब कुछ दिखाता हूँ। एंड लाइन से जो है सारी बसें लग रखी है प्लेटफॉर्म्स पे, यहाँ पे आप हर जगह बसेस देख सकते हैं। मगर मैं कहूँगा इतना अच्छा बस स्टैंड बनाने के बाद वो इसको मेंटेन नहीं कर पाए, ना ही साफ़ सुथरा है और ना ही ये ऑपरेट होता है। मतलब आप ऑलमोस्ट हर बस ही देख सकते हैं कि बस स्टैंड के बाहर से ही निकल रही है। अगर बस को बस स्टैंड के बाहर से निकलना है तो बस स्टैंड बनाए ही क्यों। ये सारी बसें देखिए पार्किंग में लग रखी है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो डिपार्चर के लिए बनाए जाते हैं वो ये लोग एज अ पार्किंग यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर सरकार पैसा खर्चा कर रही है तो लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, ऑपरेटर्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, मगर यहाँ पे वो नहीं हो रहा। बट एनीवेज बस स्टैंड बनाया काफ़ी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बहुत ही अच्छा है, वो तो आप देख के समझ रहे होंगे। इस बस स्टैंड की ना कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतने सारे चेयर्स है कि आप सोच नहीं सकते। फर्स्ट फ्लोर में भी जो है पूरे भरपूर चेयर्स है, ग्राउंड फ्लोर में भी जो है सीटिंग एरिया है, बट देख के बुरा लग रहा है कि यूटिलाइज नहीं हो रहा। वही जो है बसें बाहर से ही निकल रही है। टेम्परेचर बता दो, इस वक्त हो रहा है 30 डिग्रीज एंड गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। एनीवेज धूप नहीं है अभी एंड थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का ही है। वैसे आज मेरे साथ ट्रैवल करने वाले बांग्लादेश के एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर, मतलब बसेस की वीडियो बनाते हैं, माहूर मामा, और ये जो है कलसी मेरे साथ है। एनीवेज इनका चैनल है MR के एनालिसिस, बसेस से रिलेटेड बहुत कुछ बनाते हैं, देखना ज़रूर। बताइए मामा हनीफ के बारे में, हिनो के बारे में कुछ बताइए। यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फुल्ली वो जापानी साइड में बेसिस है। यहाँ पर आप लेलैंड बस में भी हिनो का लोगो देखते हैं और हिनो के बारे में कुछ अलग ही क्रेज है, मतलब हिनो को लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आइए वैसे पता लगाते हैं ऐसा क्यों है आज। वैसे ये जो है सिटिंग एरिया है बहुत ही अच्छा बना है, बट यू नो वही बात है, यहाँ पे देखिए कितने सारे सीट्स है, कोई नहीं बैठा। मतलब यहाँ पे सीट्स है, फर्स्ट फ्लोर में सीट्स हैं, ऐसा तो पूरा बहुत बड़ा बस स्टैंड है। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह भी है, मगर एज सेड। और यहाँ पे जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके ऐसे छोटे छोटे काउंटर्स बनाए हुए हैं जो कि आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर टिकट्स। मैंने अपना लगेज अभी रखा हुआ है हनीफ के काउंटर पे। एनीवेज बस डिपार्चर से पहले आपको आज का रूट बता देता हूँ। आज अपन सिलेट से ढाका तक की 250 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करेंगे। रूट हो जाएगा वाया शोइस्टागंज, माधोपुर, भैरव बाजार और नारसिंगदी होके ढाका। एंड इस वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बांग्लादेश का N2 हाईवे। टाइम इज 10:15, बस है हमारी 10:30 की। एंड जो फेयर है इसके लिए हमने पे किया, दैट इज 700 बांग्लादेशी टाका पर पर्सन, जो कि अराउंड इंडियन मनी 550 रुपये होते हैं। एनीवेज एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कि बस स्टैंड है इतना बड़ा, इतना अच्छा, फिर भी बसें जो है बाहर से चल रही है, वो रहा बस स्टैंड। एंड ये है अपना बोर्डिंग पॉइंट।
तो बात करें हनीफ की, हनीफ के पास अभी बांग्लादेश में टोटल 1000 बसें हैं। इतना बड़ा ऑपरेटर, इनके पास 1000 बसें हैं बांग्लादेश में। उनमें से जो 900 के आसपास हिनो है, 35 के आसपास वॉल्वो है, एंड कुछ अशोक लेलैंड और टाटा है, एंड बाकी जो है फ्यूजो है शायद मित्सुबिशी की। अच्छा, बस जो है आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। चेसिस जापान से आया हो, एंड जो बॉडी बनाया है वो बनाया है ओवी मोटर्स ने। ये हनीफ का अपना ही वर्कशॉप है, एंड इस पर आप लोगो देख सकते हैं, वॉल्वो जैसा बनाया इन्होंने कॉपी किया है। AK1J सीरीज है ये हिनो का, एंड ये जो है पिछले साल ही आया है। तो चलते हैं एक बार इंटीरियर्स भी देख लेते हैं, गाड़ी हमारी चालू हो चुकी है। तो इंटीरियर जो है कुछ ऐसे आपको 2x2 इसमें मिल जाता है, एंड एक बात मैं बता दूँ, बांग्लादेश में कोई भी 3x2 बसेज नहीं है, लोग थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट के साथ ट्रैवल करते हैं। एनीवेज ये हमारी सीट है, A121 मामा भी आ गए। कैबिन जो है कुछ इस तरह से, एंड डोर अंदर खुलता है, इसका रीज़न मेरे को नहीं पता, आई थिंक बाहर से टकराया ना था कि इसलिए। एंड एनीवेज ये अटेंडर सीट है, यहाँ पे आपका जो है पूरा इंजन है, उसके ऊपर बैठने की भी अरेंजमेंट्स है। अच्छा सा ये यहाँ पे क्लॉक टाइप का लगा रखा है, एंड फैन वगैरह है। बाकी इसमें जो है आपको 6+ रिवर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं फैंस देख रहा था कि कितने अलग और स्टाइलिश हैं। मतलब एक फ़ैन जो है यहाँ पे चारों पैसेंजर्स को हवा करता है, बीच में जो है बारी आएगी आपकी हवा खाने की। तो लास्ट तक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है लास्ट में 5 सीट्स है, एंड बाकी जगह जो है आपको 2x2 सीट्स मिल जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूँ, ऑर्डिनरी बस है, फिर भी जो है यहाँ पे लगेज टैग वगैरह दिया जा रहा है। एंड दूसरा, बस जो एकदम नॉन स्टॉप है, जस्ट लाइक AC लग्जरी बसेस। टाइम इज 10:30, चलने का आई थिंक टाइम हो गया है। फैन तो मज़ेदार है। फिलहाल हम हैं N2 हाईवे पे, एंड ये बेसिकली एक टू लेन रोड है, मगर ट्रैफिक वाफिक जो है बिल्कुल ही कम है। बाकी मामा जो है वे S22 अल्ट्रा यूज़ करते हैं, और साथ में जो है गिम्बल, तो देखिए इनका सेटअप ऐसा है। शेरपुर सेतु, ये बना है रिवर कलनी के ऊपर, एंड इतने छोटे से ब्रिज के लिए भी जो है टोल टैक्स देना पड़ा, हालांकि काफ़ी कम अमाउंट है। यहाँ पे मैंने इनका सिस्टम देखा, जब बस चलती है तब फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब जो है हवा वैसी खिड़की से आता है। तो जब बस कभी स्लो होती है, मान लो किसी सिटी से जा रही है या फिर टोल पे आ रही है, तो तब जो है वो फैन को ऑन कर देते हैं, और फिर जब हाईवे पे आते हैं तो उसको ऑफ कर देते हैं। तो थोड़ा अलग सिस्टम है। तो
दोपहर के 12:15 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं शाइस्तागंज और लगभग जो है 90 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं 1 घंटे 40 मिनट में। एंड एक्चुअली लास्ट बार भी जब मैं सिलेट आया था लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा घूम घूम के तो जाओ, ऐसे ही कैसे वापस जा रहे हो। तो आज जो है घूमने का इनिशियली मेरा प्लान था सोचा था कि थोड़ा टी गार्डन वगैरह दिखा के फिर ये ब्लॉग चालू करूँगा, मगर दोपहर को हमें बस में सीट नहीं मिली सामने, तभी जो है सुबह जाना पड़ रहा है एंड इसलिए जो है आज मैं आपको कुछ सिलेट का दिखा नहीं पाया। दोपहर के 1:15 हो रहे हैं, नोआपाड़ा में हमने अपना ब्रेक लिया है, यात्रा विरोधी बोलते हैं यहाँ पे। तो देखा आपने बस के जो अटेंडर है उन्होंने सही सही बोल दिया कि आप जो है गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, हम चलेंगे होटल में देखते हैं खाना पीना क्या है। बाकी एक बार बस देख लीजिए, यहाँ पे हमारी हिनो खड़ी है, यहाँ पे BRTC है यानी बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फरीदगंज, चाँदपुर, हाजीगंज, कुमिल्ला, सिलेट, और वहाँ पे एक BRTC की AC गाड़ी भी है। इनमें पता नहीं जर्नी में आपको दिखा नहीं पा रहा, एंड दिस बस इज ऑफ कुमिल्ला डिपोर्ट, ये भी हिनो की आई गेस क्योंकि लाइट्स देख के मेरे को जापानीज टाइप में ही लग रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो कुछ खाना पीना करते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी लंच विद अ व्यू एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं, यहाँ पे बसेस का व्यू है पूरा। एंड बाय द वे रेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी बसेस के हिसाब से बढ़िया है, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है प्लेन राइस का ऑप्शन है, पराठा है एंड जो है मुरुक पुलाव बोलते हैं, मुरुक पुलाव है मतलब चिकन एंड राइस का एक कॉम्बिनेशन सर, मतलब थोड़ा पुलाव टाइप का है, चिकन का है वो मैंने ऑर्डर किया एंड मामा ने ऑर्डर किया है परोठा एंड दाल। एनीवेज प्राइसेस वाइसेज आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ओवरऑल बिल भी मैं बता दूंगा एंड ठंडा पानी कलेजे को ठंडक मिल जाए। बस शुरू करो लेट करना। यहाँ पे जो है मोरक पुलाव है, मोरक पुलाव मतलब बेसिकली समझ जाइए थोड़ा सा ना बंगाली फ्राइड राइस टाइप का, जस्ट अंदर चिकन दिया हुआ है एंड साथ में जो है यहाँ पे ग्रेवी देते हैं, चिकन का ग्रेवी है, साथ में जो है सलाद है एंड मामा ने लिया है सब्जी और परोठा। ग्रेवी के साथ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड साथ में जो इसमें एक एग भी दिया हुआ है। बाय द वे जो प्राइस है इसका दैट इज़ 250 बांग्लादेशी टाका यानी करीब करीब 200-220 इंडियन रुपीज़, थोड़ा कॉस्टलियर साइड भी है। फटाफट खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, काफ़ी 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फटाफट खाते हैं एंड कंटिन्यू करते जाने। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं माधवपुर बाज़ार एंड ये वाला जो ब्रिज हमने क्रॉस किया ना इसके बाद हम एंटर हो गए चिटागोंग डिवीज़न फ्रॉम सिलेट डिवीज़न। आगे हैं मेघना ब्रिज टोल पे और जैसे हमारे इंडिया में फास्ट टैग है स्कैन करने वाला, यहाँ पे उसी को फास्ट ट्रैक बोलते हैं, FAST ट्रैक।
थोड़ी देर पहले क्रॉस कराया हमने मेघना रिवर और यहाँ पे पहुँच गए हैं भैरव में, भैरव बाजार क्रॉस किया जस्ट। जूट प्रोडक्शन और फ्रूट प्रोडक्शन स्पेशली बनाना एंड शुगर केन बनाने के लिए बहुत फेमस है और ढाका ज़्यादा दूर नहीं है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत ना बारिश भी शुरू होगी। सिलेट से ढाका आज हमको लग गया लगभग 6 घंटे के आसपास। पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टॉप सायदाबाद बस स्टैंड, यहाँ से जो है बाकी ड्रॉपिंग पॉइंट में गापकोली तक वो छोटे पिकअप वैन में छोड़ेंगे, तो भी उतर जाते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा ये सफ़र करके, एक्सपीरियंस बता दीजिए मामा कैसा लगा? हाँ बहुत ही अच्छा, तो एवरेज टाइप का स्पीड था ट्रैवल पर, ऐसा नहीं कि कुछ हाई स्पीड था, ये एवरेज स्पीड ही था। मुझे भी वही लगा कि चलो 90-100 की स्पीड एवरेज ही है, फिर कभी आपको दिखा देंगे हाई स्पीड जाने। चलिए जी,
इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि एक हाथी आया था, हर जो है ट्रैवल एजेंट से, हर दुकानों से जो है कुछ ना कुछ टिप ले रहा था। जो भी है, अभी हमारा पिकअप आ रहा है बस, और उसके बाद हम चले जाएंगे। आज मैं मामा के साथ अपने घर ही जाऊँगा और कल साथ में जो है मायमन सिंह जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको एक ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी बांग्लादेश रेलवेज की ट्रेन में। पिछली बार जो जो ट्रेन मैंने नहीं दिखाया उन्हीं में जर्नी होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, मिलता हूँ अगले वाले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधे आए बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ। एक बात मैंने मिस कर दी जो आज मैं बताना चाहूँगा, कल मैं भूल गया था। मतलब हनीफ का ये सिस्टम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे बस से उतरने के एक घंटे बाद जो है पिकअप वैन आया, मतलब बहुत ही बुरा लगा। एक घंटा यार बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हम सिलेट से निकले सुबह के 10:30 बजे, हम अपने घर पहुँचे कल्याणपुर में 7 बजे। मतलब सोच लीजिए करीब करीब 9 घंटे तक का समय लग गया। और दूसरी बात है, जो वैन था ना, पिकअप वैन, वो लोकल पैसेंजर्स बिठा रहा था 10-20 रुपये लेके। वो बहुत ही गलत लगा मेरे को। पिकअप वैन यार डेडिकेटेड चीज़ है फॉर पैसेंजर्स जो बस में ट्रैवल करें। उसमें जो है अगर आप लोकल सवारी लोगे तो हम फिर पिकअप वैन में क्यों जाए, हम लोकल बस में चले जा सकते हैं। वो चीज़ हनीफ की मेरे को बहुत गलत लगी। हम 7 बजे पहुँचे, हमें भाई साहब पिकअप वैन में 1 घंटा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, गुड बाय।